जय भीम साथियों, मैं शेड्यूल स्टूडेंट्स एंड यूथ यूनियन एसएसवाईयू का राज्य संयोजक दिनेश जोगावत बोल रहा हूँ। साथियों, अभी थोड़े दिन पहले जालौर के अंदर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आए थे और उन्होंने एससी एसटी पर जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ 18 दिसंबर को रैली करने का ऐलान किया था। तब कुछ समाज के दलाल, कुछ चमचे और कुछ पिछलगु नेता ये कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हिंदू धर्म को बांटने की कोशिश कर रहा है, हिंदू धर्म का बंटवारा कर रहा है। हमारे जालौर के अंदर अमन, चैन और शांति का माहौल है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले हमारे जालौर तहसील के डेल्डरी गांव का एक बंधु जो मुंबई रहता है, उसने अपनी फेसबुक पर सा शब्द लगाया, परियार, धीरज परियार सा डेल्डरी लिख दिया, तो संबंधित तत्वों ने उसको धमकी दे डाली। उसको कहा कि तुम शेड्यूल कास्ट के लोग, नीच कैटेगरी के लोग सा शब्द का इस्तेमाल करेंगे, सा लगाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो मैं आग्रह करता हूँ उन चमचों से, उन दलालों से कि आप इस प्रकार की थोती बयानबाजी नहीं करें, इस प्रकार की चमचागिरी नहीं करें, इस प्रकार की दलालगिरी नहीं करें। समाज की हकीकत क्या है वो हमको पता है। जब कोई आदमी तुम्हारे खुद से तो संघर्ष होता नहीं है और तुम खुद पिछलगु, दलाल, भड़वे कभी विधानसभा और लोकसभा में बोलते नहीं हो, और जो आदमी बोलने के लिए आ रहा है उसके खिलाफ में आप इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, एक सा शब्द लिखने की वजह से हमारे बंधु को धमकियां मिल रही हैं। न उसने सिंह लगाया है, न बन्ना लगाया है, न ठाकुर लगाया है, ये हैं समाज की असलियत। आप किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जालौर के अंदर सामाजिक समरसता है, जालौर में अमन चैन का माहौल है, जालौर में इस प्रकार का शोषण नहीं हो रहा है, मीणा राजनीति कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो। और जो आरएसएस के जो लोग, जो भगवाधारी ये बोल रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा, मीणा की रैली से हिंदू समाज बट जाएगा, जब तुम खुद रैलियां करते हो, पद्मावती मूवी को बैन करने के लिए तुम रैलियां करते हो, तो जब तुम रैलियां करते हो तो धर्म नहीं बढ़ता है, तब धर्म को आघात नहीं होता है, और हम जब रैलियां करते हैं तब तुम्हारा धर्म बढ़ जाता है, तब हिंदू धर्म के अंदर फूट पड़ जाती है। तुम्हारे रैली करने से धर्म नहीं बढ़ता है, हमारे रैली करने से धर्म बढ़ता है। तुम किस धर्म की बात कर रहे हो, तुम किस मुंह से बोल रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती बोलने के लिए कि एक हमारे एक ऐसे एसटी समाज की बंधु को एक सा शब्द का इस्तेमाल करने से उसको धमकी दी गई। अपने गिरिबान में जाको, अपने खुद के अंदर देखो, भारत माता की फोटो की पूजा करने से, भारत माता की जय बोलने से, अगरबत्ती करने से भारत माता की सेवा नहीं होती है। तुम्हारे अगर अंदर सेवा करने की इच्छा है, तुम्हारे अंदर कुछ, तुम कुछ करना चाहते हो, तो जो समाज को, भाई बंधु को धमकी दे रहा है उसको प्रोटेक्शन दीजिए, अपने अंदर की मानसिकता चेंज करिए, वरना इस प्रकार से गुमराह नहीं करें, इस प्रकार से हमें मत सिखाएं कि देशभक्ति क्या होती है, समाज कैसे बढ़ता है, कि किसको क्या करना है। ठीक है, तो अपन, मैं युवाओं से आग्रह करता हूँ कि 24 दिसंबर को आप लाखों की संख्या के अंदर शंख वाली रैली के अंदर आए और चमचों, दलालों और इन भड़वों को मुंह तोड़ जवाब देवें। अब इन सामंतों को सीधी टक्कर मिलने लगी है, इस वजह से ये तिलमिला रहे हैं। इसी के साथ में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय